हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबुल स्टडी। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और आपको इसका आंसर भी बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर मालूम हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होने वाले एग्जाम, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, ईटीसी, बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, अगर आप इन सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं तो आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या एक, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है भैंस को, बी में है गाय को, सी में है बकरी को और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बकरी को। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है इस्लाम धर्म को, बी में है बौद्ध धर्म को, सी में है ईसाई धर्म को और ऑप्शन डी में है सिख धर्म को। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बौद्ध धर्म को। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन, बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखी थी। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है उर्दू में, बी में है हिंदी में, सी में है तुर्की में और ऑप्शन डी में है अंग्रेजी में। तो दोस्तों, बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तुर्की में। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चार, किस मेले में दो गुटों में पत्थर फेंकने की प्रथा है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है पुष्कर के मेले में, बी में है देवी धुरा मेले में, सी में है कैला देवी मेले में, डी में है किसी में नहीं। तो दोस्तों, बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देवी धुरा मेले में। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है बाबर, बी में है हुमायूं, सी में है अकबर और ऑप्शन डी में है शेरशाह। बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकबर। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छः, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है सोना और पीतल, बी में है जस्ता और सोना, सी में है लोहा और सोना और ऑप्शन डी में है तांबा और जस्ता। तो दोस्तों, बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या सात, संगमरमर की भूमि किस देश को कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है इटली को, बी में है पाकिस्तान को, सी में है हिंदुस्तान को और ऑप्शन डी में है सऊदी अरब को। तो दोस्तों, बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इटली को। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आठ,
टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है बदनाम करना, बी में है बिना कारण लड़ना, सी में है अवरोध पैदा करना और ऑप्शन डी में है गलत काम करना। तो दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अवरोध पैदा करना। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गांधी जयंती कब मनाया जाता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 5 अक्टूबर को, बी में है 2 अक्टूबर को, सी में है 20 अक्टूबर को और ऑप्शन डी में है 3 अक्टूबर को। तो दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 अक्टूबर को। और अगला और आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सोने का मंदिर किस देश में है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पाकिस्तान में, बी में है हिंदुस्तान में, सी में है नेपाल में और ऑप्शन डी में है श्रीलंका में। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों बता दें आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हिंदुस्तान में। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ होता है आज का हमारा वीडियो खत्म। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।